All right, guys, the biggest dhamaka by the government this week. TikTok is banned in India. I must tell you that we should take this decision long back. TikTok ने कहा है कि वो भारत सरकार के सभी नियमों का पालन करता है और चीन को उसके द्वारा कोई भी डेटा नहीं दिया गया है। रणछोड़ कैसा रंडापा चल रहा था, देखो तो सही इस तकली दुल्हन को। मुझे साजन के घर जाना है। ये बहन जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोल रहे थे कि हम फ्यूचर जनरेशन को बना रहे, ये फ्यूचर जनरेशन ये पहनेगी। मुझे साजन के घर जाना है। ये ऐसे नाचेगी फ्यूचर जनरेशन पहन चुत हमने यार। मुझे साजन के इफ दिस थिंग इज इन्फ्लुएंसिंग यू देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। प्लीज, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एंड आई नो देयर आर फ्यू पीपल हु आर बैडली अफेक्टेड बाय दिस, स्पेशली टिकटॉकर्स। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए मैं नहीं रोऊंगी, पर एक बार प्ले स्टोर पे याद रखना। एक मिनट मैं इसका दर्द समझ गया, पर एक मिनट, इसने क्या बोला फिर से लगाना। प्ले स्टोर पे याद रखना, प्ले स्टोर पे याद रखना। प्ले स्टोर भैया, प्ले स्टोर पे याद रखना। अरे ये सुनने से पहले मात मुझे क्यों नहीं आ जाती, ये क्या बकचोदी है, क्या सोच रहे। एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो। You know, I know it's really difficult to digest when you have millions of followers and suddenly like Thanos. जिनको जान गंवानी पड़ी। So many people came up with their own opinion. सारी चाइनीज आप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीजें, तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो लोग ना बहुत बुरी तरह से ट्रोल कर रहे थे, ये अपने दुख बता रही और लोग कह रहे थे कि घर पे ये जो गोल लाइट लगाई है ना, आंखों में दिख रही है। यही है दूध सी चमकती सफेदी का राज। आइयो बहनो, यू नो लूजिंग मिलियन फॉलोअर्स इज एक्चुअली अ बिग शॉक, ट्रस्ट मी इट्स अ बिग शॉक फॉर एनीवन। तुम से मिलियन फॉलोअर्स नहीं रहे, बहुत दुख होता है यार, इसलिए तो हमने कभी मिलियन फॉलोअर्स करे ही नहीं। एंड व्हाई पीपल वर ट्रोलिंग हर, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अभी क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ, वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला, तो ठीक है, डन है। टिकटॉक वीडियो बनाने वालों को लोग घर में नहीं रख रहे, तो ठीक है, डन है। दीदी को फॉरेन जाना है, पर बुरा लगता है यार, तो ठीक है, डन है। मतलब वो पिचकारी मारने वाले वीडियो याद है, दिस 2 minute वीडियो ऑफ टिकटॉक एंड द 3 hour मूवी ऑफ अब्बास एंड मस्तान हैज द सेम अमाउंट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न। एंड नाउ द बिग क्वेश्चन इज ऑप्शंस क्या है मित्रों। देखो जी, मैं टिकटॉक बैन करने की बिल्कुल बात करता हूँ, साथ हूं मैं, पर मुझे ये मानना था कि चाइनीज ऐप हमसे माल क्यों बना रहा है, तो हम इसका एक अल्टरनेटिव ऐप बनाते और उस पर लोगों को शिफ्ट करते, तो लोगों को शायद थोड़ा कम झटका बैठता। चाचा ने तो मतलब ले ही डाली। तू चूतिया, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, मतलब एकदम से चाचा ने जो सटाक से झटका दिया लोगों के, मतलब अक्के चौके बहुत चक्के रह गए लोग। आइयो बहनो, तो समझने वाली बात है कि आप करेंगे क्या, मतलब ये चलो ऐप बैन हो गए, पागल समझते थे तुम्हारी माँ का, चलो ना पागल समझते थे बहुत सड़ी वाले जो इनका यूज फ्रिक्वेंटली कर रहे थे, उनका क्या होगा। टिकटॉकियों को तो आप देख चुके हो, बाकी ऐप्स का क्या मित्रों। तो कुछ ऑप्शन से सुना रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, आज शायद आपके काम आ जाए। लड़खड़ा रही है, अंतिम सांस ले रही है। Instead of share it, you can use share all. Instead of TikTok, Chingari is there. Instead of UC browser, you can use Jio browser. या फिर अंबानी जी की जेब में पैसे जाते हुए दिख रहा है, और हाँ ये WeChat की जगह WhatsApp तो खैर मतलब हर कोई चला ही रहा है। और बहुत सारे ऐप है, और कुछ बता देता हूँ। Turbo VPN, you can use Proton VPN. Instead of Beauty Plus, you can use सेल्फी कैमरा। और खुदा ना खास्ता अगर पबजी भी चला गया तो फ्री फायर खेल लो मित्रों। ये तो टट्टी है। यू नो गाइस, गवर्नमेंट गेव अ शॉकर टू टिकटॉकर्स।
बट बाबा रामदेव गेव द शॉकर टू द इंटायर कंट्री। अरे कोरोना की दवा, कोरोना की दवा, कोरोना की दवा कह दो। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। बिफोर एनीथिंग एल्स लेट मी टेल यू समथिंग, आई रिस्पेक्ट आयुर्वेदा अ लॉट, आई लव टू फॉलो इट, बट व्हाट बाबा डिड हियर। योग गुरु रामदेव ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस को मात देने वाली दवा तैयार कर ली है जिसका नाम है कोरोना। मतलब बाबा ने तो हमारे अरमान पलट दिए, जज्बात पलट दिए, जिंदगी पलट दी। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, मतलब पहले बाबा जी आए और बोले 100% कोरोना फ्री, ये देख लो। 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उनके CEO आए, वो कहते हमने तो ऐसा बोला ही नहीं, तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। अरे मतलब ये की बात हुई भाई। 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, फिर ये सिंगम का मीम भी देख लो, चीटिंग 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 करता है तू। अगर इम्यूनिटी बूस्टर है तो इम्यूनिटी बूस्टर बोलो ना, ये क्यों बोल रहे हो कि आप उसे कोरोना ठीक कर दोगे। 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, और बाबा कई जगह दवा भी कर रहे थे कि यार आप एलोपैथी यूज ही मत करो, बस हो जाएगा इसी से। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। क्योंकि गलत था तो बाबा जी, गलत बात। ये सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। As I told you last time that movie industry and television industry, they both are fighting like bitches. But one thing is emerging. Yes, OTT platforms. I mean, so many movies. पागल समझते थे तुम्हारी माँ का चंदन ना? पागल समझते थे बहुत सारी वाले? तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हॉटस्टार ने बॉलीवुड को खरीद लिया है, बॉलीवुड ने हॉटस्टार को खरीदा है। चल बात चुतिया। तू चुतिया। इतनी सारी पिक्चरें खरीद ली यार। सुनो तो सही, लिस्ट सुन लो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? ओके, यू कैन वॉच लक्ष्मी बॉम्ब ऑन हॉटस्टार, अजय देवगन स्टारर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, सड़क 2 ऑन हॉटस्टार, एंड एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम दिल बेचारा इज ऑलरेडी कमिंग ऑन हॉटस्टार। ये पिक्चर तो भाई अभिषेक बच्चन की थी, इसको तो थिएटर में लगा देते, ये भी OTT पे आ रही है, द बिग बुल। उसके बाद ये खुदा हाफिज विद्युत जामवाल की, विद्युत जामवाल, इसके बारे में बात बताना भूल गया, ये बंदा नेपोटिज्म का बहुत बड़ा शिकार है। बिग फैन ऑफ विद्युत जामवाल, पर पता नहीं क्यों काम नहीं मिलता भाई को। अब ये पिक्चर भी OTT पे आ रही है, चलो सब लोग देखेंगे। फ्रॉम लास्ट 2-3 वीक्स देयर वाज अ ह्यूज फाइट ऑन नेपोटिज्म। ट्रस्ट मी, आई हैड नथिंग अगेंस्ट मिस्टर टाइगर श्रॉफ, बट व्हाई नॉट विद्युत जामवाल। अरे लुक्स की बात कर लो, स्टंट की बात कर लो, बॉडी की बात कर लो, भाई कहीं काम नहीं पड़ता, फिर इसको क्यों पिक्चर नहीं मिलती है? नेशन वॉन्ट, सुनो। And one more movie of Kunal Khemu, Loot Case is coming. मतलब हॉटस्टार वालों ने तो दिवाली बना ली पैंचो, क्या पता कहाँ से इतना पैसा आ रहा है। अरे कहाँ हो रहा है विकास? जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। हॉटस्टार पे बड़ी बड़ी पिक्चर रिलीज हो रही है, तो सब स्टार स्टडेड एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कौन कौन आया जी? अभिषेक बच्चन, ठीक है जी, आलिया भट्ट, वरुण धवन, मिस्टर अजय देवगन, मिस्टर अक्षय कुमार, ये सब आए, पर 2 एक्टर्स और थे जिनको बुलाया नहीं। ये तुम लोग नेपोटिज्म करते ना, सुन तो लो। बट गाइस, लूट केस एंड सुधा ऑफिस इज आल्सो कमिंग, बट दे डिड नॉट इनवाइट विद्युत जामवाल एंड कुणाल खेमू। व्हाई? अब बताओ, नेपोटिज्म कितनी बड़ी चूतिया पे की चीज है। और मैं ये बोलता हूँ, इसका मतलब समझो, एक बाप अपने बेटे के लिए फिल्म बना रहा है, चलो बना रहा है, लेकिन बहन चौथ क्या करते हैं ना ये लोग, कि दूसरी जगह पे कहीं कास्टिंग हो रही है तो अपने बंदे को घुसाते हैं, फोकट का रिजर्वेशन चलता है, इसलिए लोग नेपोटिज्म के खिलाफ है, डिजर्विंग कैंडिडेट्स को निकाल देते हैं। पागल समझते थे तुम्हारी माँ का चंदन ना? पागल समझते थे बहुत सारी वाले? फिर कुणाल खेमू ने एक ट्वीट किया, सुनो। इज्जत और प्यार मांगा नहीं, कमाया जाता है, कोई ना दे तो उससे हम छोटे नहीं होते, बस मैदान खेलने के लिए बराबर दे दो, छलांग हम भी ऊंची लगा सकते हैं। तो ये हालत है जी, आप सोच लो अब, ठीक है भाई, चल पा चुती है। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हब ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई। इट्स नॉट अ गुड न्यूज फ्रॉम मुंबई। और वही नवी मुंबई में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहाँ की 10 जगहों पर 29 जून से 5 जुलाई तक पूरी तरीके से लॉकडाउन करने का फैसला प्रशासन के द्वारा लिया गया है। Because COVID cases are going up, that's why महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू पुट डाउन द लॉकडाउन वन मोर टाइम। देखो जी, जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तो अभी तक तो केसेस बढ़ ही रहे हैं, जब आप तक पहुंच रहे हो शायद कम हो गए हो, लेकिन हाँ ये खबर है कि लॉकडाउन बढ़ सकता है महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे जी ने बोला है। सब बिन पैंच चौदह की गलती है, गाना लगा पे। जिन माधर चौदह, जिन माधर चौदह, जिन माधर।
सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग द शो, लाइक फॉलो सब्सक्राइब, सदा सेक्सी रहो मेरे फैंस, मेरी जान। एंड यस, देखो जी, टिकटॉक बैन हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने ये बोला कि रूरल एरिया में कुछ लोग थे जो अपनी लाइफ को बहुत सेलिब्रेट करते थे टिकटॉक पे, तो उनके लिए कोई बात नहीं, अभी जल्दी इंडिया का कोई ऐप आएगा, सब लोग फिर से काम पे लग जाएंगे। एंजॉय। जिसको देखो वो एक दूसरे से कुत्ते की तरह लड़ रहे। पहले बात करते हैं हमारे सोनू निगम भाई की। गलत आदमी से पंगा ले लिया। उन्होंने भूषण कुमार को चैलेंज किया कि पहन चोत तू मेरा मुंह मत लगना। अरे माँ चोत देंगे तुम्हें, बहन चोत देंगे तुम्हारे को, नंगा करके सारे तुम्हारे गांड में घुसेड़ के छह मारूंगा। एंड भूषण कुमार वाइफ दिव्या खोसला रिलीज वन वीडियो अगेंस्ट सोनू निगम। कैमरे के पीछे छुप के बोलना बहुत आसान है, पर आपने खुद ग्राउंड लेवल पे कितने टैलेंट को आगे बढ़ाया, किसी को भी नहीं। दुनिया कैसी होती जा रही है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। पहले लोग एक दूसरे की कॉलर पकड़ के धमकी देते थे, अब वीडियो बना बना के धमकी दे रहे। ये कोई बात होती है क्या भैंचो? अरे कैमरा ना हुआ, सामने वाले का चेहरा हो गया। तुम जैसे जूतियों का सहारा है दोस्तों। Okay, let's start from the beginning. What happened when Mr. Sonu Nigam released a video? This hashtag unsubscribe T series went on trending. People were like, now PewDiePie will be very happy. जनता का मूड देखो जी, इसको पीछे करने के लिए T series के सब्सक्राइबर बढ़वाए थे लोगों ने, अब T series के सब्सक्राइबर कम करवाने पे लग गई जनता। मतलब कुछ ना कुछ करने ही है, हमारा देश ही ऐसा है। इसाना हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है, लोग चूतिया बनते रहेंगे। उसमें लोगों ने ये मीम चलाया इसका कि आई सपोर्ट सोनू निगम। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो ऑफ दिव्या कुमार खोसला। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, मिस्टर भूषण कुमार इज अ लकी मैन। नाउ व्हाट शी इज सेइंग, अरे यार तो बेइज्जती की इज्जत की बेइज्जती हो गई है। वो कह रही है ₹5 में सोनू निगम रामलीला में गाना गाते थे। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि सोनू निगम जी खुद ₹5 में दिल्ली की रामलीला में गाना गाते थे। So she came up with her facts and Sonu Nigam was like this and that. मैं तुझे कह रहा हूँ मेरे मुंह मत लगना तू बस। Guys, I'm not saying who is right, who is wrong. You guys will decide, but this is the entire scenario. होंगे आप देखिए कितने गायक जो हैं वो जाते हैं गाते हैं और थोड़ी सी मतभेद के बाद उनको पता चलता है जब फिल्म रिलीज हुई इनकी आवाज ही गायब, कोई और डब करके चला गया, जो उनको बताया भी नहीं जाता है। And also some people are coming forward like Mr. Shekhar Suman. He came up with this statement on nepotism. कितने लोगों की कास्टिंग होती है फिर उनको निकाल दिया जाता है, इसलिए मैं नेपोटिज्म की बात करता है कि कोई अपने बेटे को कास्ट कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप दूसरे किसी प्रोडक्शन हाउस में कोई कास्टिंग हो रही है उसको हटा के अपने लोगों को या अपने किसी भाई भतीजे को वहां बैठाए, वो नेपोटिज्म। So yeah, so many people are coming with their views. Let me tell you something. The television and movie industry is suffering. But OTT platforms are rocking. Did you see Arya? It was great. And now Bulbul is on trending. जिससे मेरी शादी हुई थी। वो तो हम हैं। नहीं, वो तो मेरे जितना था। And I like the trailer because of this. अपने कौन समझाए बुलबुल को, तो बस सत्या चाहिए। मैं अभी आ रहा हूँ।